हादसा है जब बहन बिटिया जाते हैं बहरे तब आदमी पकड़ लेलन धर लेलन खेत पर जाएगा कोयला पानी पड़त बा ये बात तो हम शौचालय का बहुत तकलीफ हम लोग के मैडम ई तो हो नहीं का तकलीफ नहीं बा लेकिन यहाँ सुनवाई भी नहीं है प्रधान अपने अपन बनावतन के हम लोग के का कर गरीबन का सुनवाई ना है नहर ननद गई खेत करी बेटे में 9 महीना का बच्चा पकड़ के झोंक दिलन पूरा चोट आ गल वो आदमिये भाग गए तब अंधेरा में लौकी मैडम घरे से आदमी दौड़ के गैलन भाग गैलन क्या हुआ था आपके साथ हमारे साथ हम खेते खोरी गई लगी हाँ एक मन उधर से आवत रहा हाँ वही खम्मा के लग गया खड़ी होके हम मंजन करत रही हम सोचली कि अपन कवाई काट के निकल जाई हाँ और गप से आके हमके पकड़ा सोचे सकवारी में और हम कालर दोनों हाथ पकड़ लेली तो सोचल कि अब पकड़ के मरबा करी दू फाइट हाँ। तो हमें ढकेल दिला से हम खंती में गिर गई हाँ। आइए लड़की हमारा 8 महीना के पेड़े में रहा वाराणसी जनपद के हरुआ ब्लॉक के उदयपुर गांव में किसी के घरों में एक भी शौचालय ना होने से चंदा सहित कुल 100 परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था हमारे ननद गने खेतों करी उनके आदमी धा पकड़ा झोंक देला जब से शौचालय मंगा तो बहन बिटिया घर में तो रही है मैडम अभी दिक्कत परेशानी तो काट दे हम लोग का तो बहुत अपना तो हाथ से हम लोग बहुत खुशी हमारे बैठे अब वही जो हमारा वो हम बनवा था करेगी बहुत हम लोग खुश है अब तो बने चालू तो होगा हाथ से लग गया मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने अभी करीबन 1 महीने पहले IBN 7 में एक रिपोर्ट देखा था जिसमें इस गांव के बारे में उन लोगों ने बताया था और जिसमें वो दिखा रहे थे कि यहाँ टॉयलेट की कितनी समस्या है और लड़कियों को बाहर घर के जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए खेत में और दूर दूर विच इज़ नॉट सेफ जो कहीं ना कहीं मैं भी एक लड़की हूँ तो मैंने बहुत कनेक्ट किया और मैंने अपने हस्बैंड से ये डिस्कस किया और हम लोगों ने सोचा कि जब भी मौका नेक्स्ट पड़ता है हम उस गांव में जाएंगे नहीं बस मुझे बहुत अच्छा लगा जब खुशबू ने ये विचार व्यक्त किया कि हमें इस तरह हेल्प करना चाहिए और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि समाज से कुछ मिलता है तो उसको हम वापस दें तो और ये बेसिक ज़रूरत है टॉयलेट जो है कि हर व्यक्ति को डेली इस्तेमाल करना होता है तो वो बेसिक ज़रूरत की चीज़ सबसे पहले उपलब्ध हो सके ऐसा हमारा प्रयास है अपने टीवी में आजकल देखा भी है लड़कियों के अगेंस्ट वायलेंस जो हो रहे हैं और इतने सारे वारदात हुए हैं और उसके कुछ रीजंस ये भी आए हुए हैं जो हम देखते हैं कि घर में टॉयलेट ना होने की वजह से लड़कियाँ बाहर जाती हैं एंड उस समय कुछ लड़कियों को का शोषण किया जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में था मुझे लगा कि यहाँ मैं कुछ कर सकती हूँ तो। मैं शबनम और ये है मेरा समुदाय मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि हर ऐसी समस्या पे वीडियो बनती रहे और उस पे इस तरह से बदलाव होता रहे।